हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट डॉलर, रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। ये एक कॉमेडी स्टोरी है। ये कहानी स्टीफन, जिसने ये चैप्टर लिखा है, उनकी है और इनके दोस्त स्टूड की है। स्टीफन को एक बात अजीब लगती है कि उन्होंने अपने दोस्त स्टूड को $1 उधार दिया था और अब तक वो इस बात को भूल नहीं पाए हैं। उनका दोस्त भरमुंडा जा रहा था और टैक्सी को देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे। तब उसने बस पूछ लिया कि क्या तुम $1 दोगे। इस पे स्टीफन ने झट से $1 दे दिया था। इन्हें लगा था कि वो लौटा देगा। भरमुंडा से दोस्त ने जब पत्र लिखा तो उसमें भी पैसे नहीं थे और दोस्त ने बस वहां के तापमान की जानकारी दी थी। स्टूड भरमुंडा से वापस भी आ गया और काफी समय भी बीत गया। स्टीफन को इस बात का बुरा नहीं लगा था और ना ही उन्हें दोस्त से कोई शिकायत थी। ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने $1 उधार उन्हें नहीं चुकाया था। वो सबसे आम तरीके से बात करते थे। स्टूड को घुमा फिरा कर उन्होंने याद दिलाने की कोशिश भी की, पर उनका दोस्त $1 का उधार भूल चुका था। पर स्टीफन चाह कर भी इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें असल में ये बात परेशान कर रही थी कि उन्होंने भी किसी से कभी ना कभी $1 उधार लिया होगा और भूल गए होंगे। उन्होंने कहा कि बैक टू ऑनेस्टी अभियान होनी चाहिए, जिसमें सब अपना लिया उधार चुका देंगे। अपनी इस कहानी से इंसानी फितरत पर जोर डाला है कि दूसरों को दिया छोटा सा छोटा उधार भी हमारे मन में याद रह जाता है, पर हम दूसरों से लिया उधार भूल जाते हैं। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।